नागौर जिले के लांडनू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख के नोट बरामद किए हैं। एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लांडनू के शहरियाबास में रहने वाला एक युवक अन्य युवक को नकली नोट सप्लाई करने जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले में नकली नोट के प्रचलन की सूचना आने पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम का सुपरविजन एडिशनल साहब डिडवाणा कर रहे थे और इसमें जैसे ही पुलिस के पास खबर आई कि नकली नोट पुलिस के हाथ लगा तो उसके बाद इसमें जो है गहनता से जांच की गई। जांच करने पे पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि नकली नोट का काम करते हैं। ये कम दाम में बाहर से जो है नकली नोट एक नेटवर्क के थ्रू खरीद कर लाते हैं और उसको फिर ये अलग अलग व्यापारियों को, व्यवसाय वालों को नकली नोट देते हैं ताकि वो लोग कैश में जो पेमेंट अपने काम वालों को करते हैं उसमें कर सकें। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो लेबर है, जो कर्मचारी है इनके, वो लोग इसको मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को नए नोट की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनके बारे में नहीं पता है, इसलिए ये नोट कई बार बिल्कुल असली की तरह प्रतीत होते हुए चल भी जाते हैं।